स्वागत आपका मेरे ए एम एजुकेशन चैनल के ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे बिजनेस एथिक्स इन ग्लोबल इकोनॉमी बिजनेस एथिक्स 15 डे सीरीज के अंदर आज है हमारा डे 10 हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑडिटिंग प्रोग्राम्स इफेक्टिव एथिक ऑडिटिंग प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप जाके चेक कर लेना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और आइकन प्रेस करो फॉर न्यू अपडेट्स आज की वीडियो में हम ये लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट थर्ड का बिजनेस एथिक्स की ये कवर करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी क्या होता है सबसे पहले मीनिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी द ग्लोबल इकोनॉमी रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट मेक प्लेस बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज इकोनॉमी का मतलब क्या होगा कि इंटरकनेक्टेड रहेगी एक दूसरे से वर्ल्ड वाइल्ड एंड हमारी जो कंट्रीज हैं वो सबसे इंटरकनेक्टेड रहेंगे ग्लोबल मतलब संसार संसार की इकोनॉमी और सबसे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वाइल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारे इंटरकनेक्टेड रहेगी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन पूरे संसार के अंदर इंटरकनेक्टेड रहेगी सबसे ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब्स अ वर्ल्ड रिलेटिवली फ्री एंड फ्रिक्वेंस मूवमेंट्स ऑफ गुड्स कैपिटल पीपल्स इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज इंटरनेशनली ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है हमारी जो मूवमेंट है गुड्स की चीजों की वो हम कहीं भी भेज सकते हैं कहीं भी आ जा सकते हैं लोगों इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं इंटरनेशनली इसके बजे इंटरनेशनल ट्रेड होता है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एक तो डिफरेंट स्टेट मतलब विद इन स्टेट होता है एक है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं वो ग्लोबल इकनॉमी को इफेक्ट करता है हमारा इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड इट हैज हैजऑलो हेल्प्ड कंट्री टू स्पेशलाइज टू प्रोडक्ट विच दे हैव अ कंपेरेटिव एडवेंटेजेस इन मतलब हमारी जो कंट्री है इंडिया है वो उसके बाहर से बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं हमारी कंट्री से बाहर बहुत से प्रोडक्ट्स जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक दूसरे कंट्री तक हमारे जो हमारे पास जो है वो हम उन तक भेज देते हैं जो उनके पास वो हमारे पास भेज देते हैं उस तरीके से जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो चलता रहता है इसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस हमें मतलब फॉर एग्जाम्पल हम इंटरनेशनल ट्रेड करें तो हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंस इंटरनेशनल मनी भी आएगी क्योंकि अब हर किसी के पास तो रुपए होते नहीं है किसी के पास डॉलर होते हैं किसी के पास यूरो होते हैं किसी के पास कुछ होता है तो उसी तरीके से हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंस भी आएगा मनी कैन बी ट्रांसफर्ड एट अ फास्ट रेट्स बिटवीन कंट्रीज कम्पेयर टू द गुड मेकिंग इंटरनेशनल फाइनेंस वन ऑफ द प्राइमरी फीचर्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हमारे पास बहुत सी ऐसा फाइनेंस आएगा जो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू हमारे पास आता है जो हमारी कंट्री की पैसे नहीं होते हमारी कंट्री के रुपए नहीं होते हैं और हमारे पास आते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इसके बाद है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हमारे पास ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी होगी दिस रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट इज़ अ नॉट कंसिडेंट एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मेनली टेक्स प्लेस वाइज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज़ वहाँ खरीद ली है या फिर हमने बैंक के अंदर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए तो उस वो चीज़ भी बढ़ाती है हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इकोनॉमी हमारा टॉपिक है कौन से इश्यूज आते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले इम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द मेन एथिकल इशू कंसर्न्स ऑफ द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड दैट हैज पुट मैनी जॉब्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो पहली हमारी कंट्रीज होती है वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स पुट की जाती हैं और मतलब जो बाहर की कंट्री मतलब ये नहीं होता है यहाँ पे बच्चे पढ़ के यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए क्योंकि वो ज़्यादा पैसे देते हैं हमारी कंट्री से तो दैट्स वाई वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर इसके बाद वेजेज़ के अंदर एटलीस्ट बन द मेन बेसिक रीजन क्या होता है ग्लोबल गो ग्लोबल को जाने के लिए एडवेंटेजेस होते हैं वेजेस के अंदर वर्ल्ड डेवलपमेंट के अंदर वेजेज इन लेबर लिबलाइजेशन आर लेस दे दमेरिका एंड द यू मतलब वेजेस ज़्यादा ले, लेस मिलती है मेरी कारण यूरो से क्योंकि क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं बोलते कि मतलब कई लोग कहीं से जाके कहीं जॉब करते हैं कहीं से जाके कहीं जॉब करते हैं क्योंकि उनको वेजेस की प्रॉब्लम होती है उनको पैसे कम मिलते हैं वहाँ से और अभी क्या है जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो इंडिया की करेंसी है जो हमारी कंपनी जो हमारे रुपया है उसकी वैल्यू कम है डॉलर से तो उसी तरीके से मतलब तो वहाँ जाके पैसे ज़्यादा कमा के फिर यहाँ के वो उनको वो सेव करते हैं या खर्च करते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं इसके बाद है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सम कंट्रीज डो नॉट सीज वुमेन इक्वल कई कंट्रीज ऐसे होते हैं जो वुमेन्स को इक्वल नहीं समझते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मतलब लड़का लड़का और लड़की को एक समान नहीं समझते हैं सो दैट द कंट्रीज मैनी मे नॉट मे नॉट वॉन्ट टू नेगोशियेट और ट्रेड विद द कंपनीज फ्राम अनदर कंट्रीज हु वूमेन इन द मैनेजमेंट पोजिशन क्यों कई कंट्रीज के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उनकी थिंकिंग ये होती है सब चीज़ें थिंकिंग के ऊपर डिपेंड होती है उनकी थिंकिंग ये होती है अगर कहीं पर वुमेन मैनेजमेंट कर रही है वुमेन कोई अच्छी खासी पोस्ट पर है तो वो उनके साथ ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं ये इश्यू आता है क्योंकि कई कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है वो कि वो ये सोचते हैं कि वुमेन्स इक्वल नहीं है मेंस के वो उनकी थिंकिंग होती है इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा द द ग्लोबलाइजेशन कैन ब्रिंग्स इन इनसेटिस्फाइड कंपटीशन फॉर द वर्ल्ड डेवलपिंग स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज जो हमारे स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज है उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसके बाद अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स वर्कर के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कई कंट्रीज के अंदर छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाया जा लगा दिया जाता है चाइल्ड लेबर जो बोलते हैं हम चाइल्ड लेबर करवाया जाता है छोटे छोटे बच्चों के साथ सम कंट्रीज डो नॉट ट्रीट एम्प्लॉयज अ फेयर एज अदर्स कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो फेयरली ट्रीट नहीं करते हैं अपने इम्प्लॉयज़ को सम मेक्स दैर इम्प्लॉयज़ वर्क इन द एक्सट्रीम हीट कुछ क्या होता है कि ज़्यादा हीट के अंदर मतलब ये नहीं सोचते हैं कि ये भी इंसान ही है और उनको ज़्यादा हीट के अंदर काम करने के लिए भेज दिया जाता है एंड विद नॉन ब्रिक्स एंड सम इवन हैवे अंड वरेज माइनर वर्किंग फ्रॉम दैर मतलब कुछ छोटे छोटे बच्चों को बोल बोल दिया जाता है मतलब छोटे छोटे बच्चों को किडनेप कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा ये आपकी जिम्मेवारी और उनसे फिर पैसे भी छीन ले जाते हैं तो ऐसा बहुत सी चीजें होती हैं ये मैंने आपको बताया है अभी भी इश्यू ऑफ चाइल्ड लेबर छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है कि चाइल्ड लेबर मतलब कि ये बोला जाता है कि मतलब उनको पैसे दिए जाएंगे और छोटे छोटे बच्चों को किडनेप कर लिया जाता है और उनसे फिर काम करवाया जाता है इन ऑर्डर टू मोर कंपिटेटिव कंट्रीज मेक बोन स्टॉप फोर्स लोअर हाउस बाई प्रोवाइडिंग हाई वर्क फोर्सेज मतलब ज़्यादा वर्क फोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए वो छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगवा देते हैं और कईयों की क्या होती है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती कई हमारी जो फैमिलीज़ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती डेट्स वाई भी बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है इसके बाद हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कोई ऐसी डिजीज उनको हो जाती है और फिर भी उनको भी बोला जाता है कि आप काम कीजिए या फिर कोई वो प्रोडक्ट इस तरीके का मैन्युफैक्चर करें जिससे उनको डिजीज हो रही है फिर भी उनको भी बोला जाता है कि आप काम कीजिए इजियर स्पेस टू ट्रांसपोर्टेशन कैन ईजिली लीड टू द स्पीड ऑफ हाईली इन्फ्लुएंस डिजीज मतलब वो बहुत सी बड़ी इन्फ्लुएंस डिजीज से अफेक्ट कर रहे हैं इसके बाद फाइनेंशियल कॉलप्स ड्यू टू एन इंक्रीजिंग ग्लोबलाइज वर्ल्ड देर इज अ ग्रोइंग मार्केट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिटवीन नेशंस बहुत ज्यादा हमारी मार्केट जो ग्रो हो रही है इंटरनेशनल हो रही है इसके बाद मेजर्स टेकर्स टू मैनेजमेंट एथिकल इश्यूज इन ग्लोबल इकोनॉमी कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं किस किस के थ्रू लिए गए हैं बाय गवर्नमेंट बाई सिविल सोसाइटी एंड बाय कॉर्पोरेशं के थ्रू लिए गए हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स टेकन लिए हैं क्या क्या मेजर्स लिए हैं द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू द न्यूज इन एडियो ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड अटेम टू द मैनेजमेंट द ग्लोबलाइजेशोसेस बाई क्रिएटिंग ट्रांजेक्शनल नॉम्स फॉम द करप्शन ओवर द ईयर देर हैज बिन ग्रोइंग अवेयरनेस डिफिकल्टीज फॉर द नेशन स्टेट प्रॉब्लम ग्लोबल देर दिस इज अ वे गवर्नमेंट हैव शोड रीजनल And global agreements such as the Declarations of International Investment and Multinational Interest Enterprises and the Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work. मतलब हमने बहुत सी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया, किया है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल नेशनल इंटरप्राइजेस को डिक्लेयर किया है डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिक्लेयर किए हैं राइट टू वर्क डिक्लेयर किया है और जैसे कि अभी जो हमारी कंट्रीज के कंट्री के अंदर डिमोनिटाइजेशन हुई थी नोटबंदी हुई थी तो वो भी बहुत ज़्यादा करप्शन को कम करने के लिए हेल्पफुल रही थी इसके मतलब बाय सिविल सोसाइटीज़ ने क्या 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 मेजर्स लिए हैं ग्लोबल सिविल सोसाइटीज़ एक्ट एक्ट हैज़ हैड

आर्म फोर्सेस है आर्म फोर्सेस के अंदर भी ऐसा कर दिया गया है कि हमें सिर्फ चार साल के अंदर मतलब चार साल तक वो जॉब कर दी गई आर्म फोर्सेस की तो उस तरीके से कई चीज़ों को बॉयकआउट कर दिया गया है कई चीज़ों को मतलब छोड़ दिया गया है सोसाइटी ने छोड़ दिया है जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं था इसके बाद बाय कॉरपोरेशन विल फिलपिज एंड चैरिटीज वॉज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड द आइडिया डेट कॉरपोरेव मोर ओबली शेयर होल्डर बिहाइंड द शेयर होल्डर्स एज Quit recent corrupt leaders paying attention to corrupt citizenships in the last 1990 following ways and anti globalization protect the measures of individual companies, club courts, and industries by standards emerged after the mid 1970s. The USA many comes and dispose of foreign bribes. ब्रॉडली कॉल्स फॉर द ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो भी हमारे करप्ट लीडर्स थे उनको पेइंग अटेंशन उनको अटेंशन दी गई सिटीजनशिप एंड लेट उनको मतलब निकाल दिया गया फॉलोइंगे एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोडेक्ट वहाँ पे स्टार्ट की गई इसका उधर इम्पैक्ट क्या पड़े ऑफ एथिक्स ऑन ग्लोबल बिजनेस ग्लोबल बिजनेस के एथिक्स के ऊपर जो हमारे एथिक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़े सबसे पहले एथिक्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस एथिक्स एंड करप्शन कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर क्या है एथिक इंपैक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशंस लोकल कल्चर्स इंपैक्ट द वे पीपल्स व्यूज द

पर करप्शन इज एन इशू इन एवरी सोसाइटी हर एक सोसाइटी के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है इन हिस्ट्री एंड इट इज कंटिन्यूज टू बी द इवन टुडे करप्शन एक हमारी हिस्ट्री के अंदर भी है और आज भी कंटिन्यू चल रहा है करप्शन रेफर्स टू डिस होनेस्टी ऑफ फ्रॉडलिंग कंडक्ट ऑफ दोज पावर टिपिकली इन वोज ब्रेबरी इट ऑफन रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एनी वेयर इंटरनेशनल बिजनेस ऑफर सिम्स टू गेंस एंड हैव गेंड फाइनेंशियल एंड बिजनेस एडवेंटेज बाय ब्रिंगिंग दोज ऑफिशियल्स विच इज क्लियरली अनथिकल मतलब करप्शन आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर है पहले भी हमारी सोसाइटी के अंदर थी और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी चलती रहेगी क्योंकि लोग सुधरने के नहीं हैं करप्शन गवर्नमेंट ने बहुत सी मतलब तो ऐसी चीज़ें वो बंद ही नहीं हो पानी करप्शन बंद ही नहीं हो पा रहा है करप्शन गवर्नमेंट ऑफिशियली है और अनएवेयर है इंटरनेशनली जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं गेन है गेन फाइनेंशियल है, बिजनेस थर्ड पॉइंट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म ऑफरेट सेल्फ रेगुलेशन इंटीग्रेटेड कॉपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज फंक्शन सेल्फ रेगुलेशन मेके मतलब खुद से रेगुलेट कर रहे हैं उन चीजों को मैके हमारा खुद का है बिजनेस मॉनिटर एंड एंश्योर एक्टिवीज कंप्लीस हमारी कॉपोरेट सोशलिटीज भी बहुत ज्यादा करती है हमारी जो है सोसाइटी के थ्रू हमारी कंट्री के थ्रू उन चीजों को एथिक्स एंड इंटरनेशनल लोम्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं इन्श्योर करते हैं कि हमें वो चीजें परफॉर्म करनी चाहिए लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारी इस यूनिट का एथिकल इंफ्लुंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन शेयर होल्डर्स सबसे पहले शेयर होल्डर A shareholder protective of business ethic focus on the making decisions of the best interest of the company investors. शेयर होल्डर कौन सा होता है शेयर होल्डर प्रोटेक्ट करता है हमारे बिजनेस एथिक्स को और हमारी डिसीजनस लेता है कि क्या हमारी बिजनेस के लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है इसके बाद एम्प्लॉयज़ इम्प्लॉयज़ कहते हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयज ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है ग्लोबल हम कहीं भी अपनी कंट्री के अंदर काम जाके कर सकते हैं किसी और कंट्री के अंदर काम जाके कर सकते हैं वो हमें अच्छी इम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है ग्लोबलाइजेशन गवर्नमेंट अनेबल्स अमंग गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोबल गवर्नमेंट को क्या है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से मिलने जुलने के लिए मतलब दूसरे कंट्रीज के गवर्नमेंट को मिलने के लिए ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है हमारी कस्टमर्स अनेबल्स क्रिएट प्रोडक्ट्स वेराइटी टू द कस्टमर्स ग्लोबलाइजेशन हमारी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हम जब ट्रेड करते हैं तो वो क्या है बहुत सी वेरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमें कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं दे के चीप पर प्रोडक्ट्स तो वो उनको चीप रेट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं बट लेर टू यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट लर्न करना उनको चीज को सीखना उनकी जिम्मेवारी बनती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके बाद बेटर कनेक्टिविटी विदर कस्टमर ग्लोबलाइजेशन जो एनेबल करता है की हमारे जो कस्टमर्स है उनके साथ आपकी जो बेटर बहुत ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएंगीज गेट वाइडर मार्केट दे कैन ऑल्सो एंगेज इन दलेशन इन म्यूचुअल बेनफिशियस एरियाज इसके अंदर क्या दिया है कम्पिटिशन्स बढ़ जाते हैं मतलब कम्पटिंग जो हमारी कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट उनको मिल जाती है कम्पटिंग कंपनीज़ के लिए एंड वो कोलाब्रेशन कर लें एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए अपने जो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं उनके लिए वो अपनी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो कंपनियाँ हैं उनके साथ कोलाब्रेशन कर लेते हैं इसके बाद सोसाइटी सोसाइटी के अंदर क्या है ड्यू टू इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी कोस्ट बाय ग्लोबलाइजेशन सिविल सोसाइटी इज़ बेटर जब हमारी इंक्रीज़ हो रही ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हम मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हम इंटरकनेक्ट हो रहे हैं तो हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो ज़्यादा बेटर हो जाएंगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने लास्ट टॉपिक किया है बिजनेस एथिक्स इन ग्लोबल इकोनॉमी यूनिट थर्ड का अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है क्या करना है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी कोई भी डाउट है कोई भी टॉपिक मुझसे छूट गया है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मिलते हैं फिर डे इलेवन के अंदर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो